सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र MCACET 2023 का ये लगभग एंडिंग होने वाला है। ये लास्ट पोजीशन पे आ गए हैं। कैप थ्री का कल तक जो आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, इसके बाद से जिनको कॉलेज अलॉट होना होगा वो कल लास्ट डेट है। कल के बाद जो है आपको 13 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या अब आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो है कॉलेजेस कब से स्टार्ट होने वाले, क्योंकि प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म होने को है। तो हमारे कॉलेजेस कब से स्टार्ट होने वाले हैं और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो बचा हुआ डॉक्यूमेंट्स है, हम कब तक उसे जो है कॉलेज में दे सकते हैं, क्योंकि किसी का नेशनलिटी बाकी है, किसी का रिसिप्ट बाकी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, लेकिन एडमिशन उन्होंने कन्फर्म कर दिया, लेकिन उन लोगों ने बोला है कि 13 तारीख तक जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर चैनल में नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँ कि MCA के हैंड रिटन नोट्स हमारे वेबसाइट और जो है ऐप पे अवेलेबल है। वहाँ पे सिर्फ आपको कॉलेजेस जो है कॉलेजेस के semester 1 और semester 2 के भी नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लस आपके जावा के अलग से नोट्स हैं विथ 2 प्रोजेक्ट्स, जो आपको अभी मिनी प्रोजेक्ट, जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे तो मिनी प्रोजेक्ट सबमिशन होगा, उसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस जावा के नोट से। फिर आपका OS का नोट्स है, DBMS का है, SQL का है, और जो अभी जब तक आपका प्लेसमेंट खत्म नहीं होगा तब तक उस पर नोट जितने भी तरीके के होते, जितने भी आपके लिए बेनिफिट्स होंगे वो अपलोड होते रहेंगे, और आपको जो है बहुत आगे तक बेनिफिट्स मिलेगा। वेब डेव का हो गया, एंड्रॉयड का हो गया, बहुत सारी चीज़ का जो है आपको नोट्स वहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे प्लेसमेंट नज़दीक आएगा उस तरीके से जो आपके नोट्स अपलोड होते हुए देखने को मिलेंगे वहाँ पर। प्रीवियस ईयर हो गया, फिर आपका सेमेस्टर का भी PYQ जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत चीज़ वहाँ पे अपलोड होंगे। तो ये देख लो, आप लोग जाकर के वेबसाइट पे इस नोट्स को एक्सेस जरूर कर लो। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, ये जो बहुत सारे बच्चे का ये क्वेरी आ रही थी कि अब तो हमारे पास एडमिशन हो गया है, जो है कब, आप लोग बहुत सारे को पता हो गया होगा नोटिफिकेशन के जरिए, या फिर वो आप लोगों को मैसेजेस दे रहे होंगे कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं। जो हमारे एंड से पता चला है अभी, मतलब 20 तारीख से, 20 अगस्त से पहले जितने भी महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं सारे ऑलमोस्ट आपको रनिंग होते हुए दिखेंगे, चलते हुए दिखेंगे। क्लासेस जो है आपके रेगुलरली होते हुए देखने को मिलेंगे, और सबसे पहले ओरिएंटेशन स्टार्ट होगा। ओरिएंटेशन जो है आपका बहुत सारे कॉलेजेस में 1 वीक और 15 डेज तक भी ओरिएंटेशन चलता है, जैसे DY पाटिल पिंपरी हो गया, IMCC हो गया, ये सब 1 वीक तक जो है आप लोगों को लेते हैं ओरिएंटेशन सेशन। तो 17 तारीख से DY पाटिल पिंपरी का है, 16 से JSPM का है, फिर 17 से ही IMCC का भी है। मोस्टली जो कॉलेजेस है वो 20 से पहले आपको खुल जाएंगे सारे। तो अभी तक आपने जो है PG वगैरह नहीं लिया है या फिर रूम शिफ्ट होने का प्लानिंग नहीं किए हो पुणे में, तो जल्दी कर लो, कॉलेजेस के आसपास ही रूम ले लो। अभी हम बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग हो रही होगी, बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है आपको रूम कॉलेज के आसपास मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, आई नो। तो आप कोशिश कर सकते हो कि 2 से 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर दूर आप कॉलेज के डिस्टेंस से कवर कर सकते हो, उतने दूर में आप रह सकते हो। एक बार ट्राई करो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। जितना मैंने सीनियर्स का नंबर हो सकता था मैंने प्रोवाइड किया, जितना मेरे से हो सकता था पीजी वगैरह ढूंढने में मैंने बहुत कोशिश कर दी, और अगर हो पाया होगा तो बहुत सारे बच्चों को मदद भी मिली पीजी ढूंढने में, या फिर जो भी उन सीनियर्स हेल्प कर पाएँ, बहुत मदद की, उनके लिए सबसे पहले थैंक यू। और पीजी वगैरह तो आप लोगों को मिल गया होगा, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को मिल गया, जिसे नहीं मिला आप जा करके ट्राई करो, मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो आप ट्राई कर सकते हो और कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे तो आप कंटिन्यू जो है आप कॉलेजेस जा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है हम लोगों को कब सबमिट करनी होती है। तो एक नेशनलिटी के लेकर बहुत बड़ी इशू आ रही थी, तो बहुत सारे कॉलेजेस जो है 10th और 12th के TC या फिर LC जो बोलते हो आप, उसमें मान जा रही वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ, वो वेरीफाई कर देंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर TC और 10th और 12th का जो है जीरोक्स कॉपी है आपके पास, तो आप लेकर के जाओ और वहाँ पे जो है वेरीफाई हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है, तो आप जा करके वो वेरीफाई करवा सकते हो। और जो है डेट आई थिंक 30 अगस्त तक दिया हुआ है, आप लोग 30 अगस्त से पहले पहले जो है पूरा डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हो। एक बार आप कॉलेज से पूछ लेना लास्ट डेट कब होने वाली है, कब तक हम सबमिट कर सकते हैं, वो तो बहुत जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो बोलेंगे। आप भी कोशिश करो कि जितनी जल्दी है जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दो ओरिजिनल, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट ले लेते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं वो वेरीफिकेशन के लिए,
एक साल बाद फिर आपको वो रिटर्न कर देते हैं। बहुत सारे का ये भी क्वेरी आ रहा था कि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वाले रख लिए हैं, क्या फिर वो देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, वो बिल्कुल देंगे, अभी रख ले रहे, वेरीफिकेशन के लिए ले रहे हैं, उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वो वापस कर देंगे। सो थैंक यू दोस्तों, कैप 3 को लेकर के यही थी जो है इन्फॉर्मेशंस, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने बेटरमेंट के लिए ट्राई किया, बहुत सारे ने फ्रीज किया, जो बेटरमेंट के लिए ट्राई किया 13 तारीख को आप लोगों को पता चल जाएगा, 13 के बाद से फिर जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उस नोट्स का एक्सेस जरूर कर